Hello and welcome. I am Rajdeep and I am Senior Faculty of Geography at Abhimanu IAS. आज हम एक रेयर फिनोमिनन की बात करने जा रहे हैं जो कि है ट्रॉपिकल साइक्लोन इन अरेबियन सी इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगर हम रिसेंटली देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डीप डिप्रेशन हैवी रेनफॉल हुआ और जिसके चलते फ्लडिंग भी हुआ, जिसके चलते बहुत सारी जानें भी गई हैं और बहुत ही हैवी लॉस हुआ है प्रॉपर्टी को. ये जो डीप डिप्रेशन है ये फिर कन्वर्ट होता है साइक्लोन में ऑन 30th of August, जिसका नाम है साइक्लोन असना. एज फार एज IMD's प्रेडिक्शन इज कंसर्न, ये जो साइक्लोन असना है इसका फॉर्मेशन अगर आप देखें तो यहां पर ये डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है. ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन साइक्लोन में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटेंसिफिकेशन और ये स्टार्ट करता है अपना मूवमेंट टूवर्ड्स सिंध कोस्ट. सिंध कोस्ट के बाद ये ओमान कोस्ट की तरफ अभी जाने लगा है. अगर हम इसके रेयरिटी की बात करें तो ये फिनोमिना इस मंथ में, अगस्त मंथ में, इसलिए रेयर है क्योंकि इससे पहले 1944 से अभी तक सिर्फ 3 ही बार अरेबियन सी में साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हुए हैं जो कि एक्सट्रीम साइक्लोनिक कंडीशंस है, 1944 में, 1964 में और 1976 में. तो ये जो होता है ये आपका फोर्थ ऑकरेंस हो जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त. इसके पीछे अगर हम रीजन लिंक करने जाएंगे तो वी विल लुक इनटू द मेन आंसर राइटिंग एस्पेक्ट दैट द प्राइम रीजन ऑफ दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. लेकिन उससे पहले हमें बात करनी होगी कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन कैसे होता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है. तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन की बात करें तो आपको कुछ प्री कंडीशंस देखने होंगे पहले फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन से रिलेटेड. सबसे पहले जो एक लार्ज सी सरफेस एरिया अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर हम बे ऑफ बंगाल कंसिडर करते हैं तो उस सी सरफेस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब ये जो टेम्परेचर जो सी सरफेस का पहुंचता है ये यूजुअली पहुंचता है मई और जून के मंथ में. इसी के साथ साथ आपका कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस भी होना चाहिए. अगर आप इक्वेटोरियल बेल्ट देखते हैं तो 5-7 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स जो है एब्सेंट होता है, इसीलिए वहां पर साइक्लोन्स भी एब्सेंट होते हैं. क्यों कोरियोलिस फोर्स चाहिए हमें? अगर सपोज बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, उसके सराउंडिंग रीजन में हाई प्रेशर एरियाज डेवलप हो रहे हैं. अब जो विंड के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ये जनरल डायरेक्शन ऑफ विंड होता है, दैट विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स विंड मूव्स टूवर्ड्स इट्स राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, राइट में इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है और टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर. अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये जनरेट करता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, इसके चलते एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होते हैं बे ऑफ बंगाल जैसे लार्ज स्पैन में. सिमिलरली अगर हम देखें एब्सेंस ऑफ विंड शियर और लो विंड शियर होता है नदर्न हेमिस्फीयर में. लो विंड शियर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैंड मास एडजेसेंट टू दी सी बॉडी और सी सरफेस. क्योंकि अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो काफ़ी ओपन एरिया है जहां पर हाई विंड शियर होता है, उसके चलते जो एयर है एयर का मूवमेंट इतना फास्ट हो जाता है कि आपका जनरेशन जो है जनरेशन ऑफ साइक्लोन है वो काइंड ऑफ नेग्लिजिबल हो जाता है. दैट्स वाई देर आर मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. अगर हम अपर एयर डिस्टर्बेंस की बात करें तो अपर एयर डिस्टर्बेंस लाइक जेट स्ट्रीम शुड बी प्रेजेंट टू स्टीयर दिस साइक्लोन टूवर्ड द लैंड मासेस. तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स दिस साइक्लोन्स मूव टूवर्ड्स द लैंड मासेस. तो ये जनरल फॉर्मेशन हो जाता है जब हम किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं. सिमिलरली अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, आप ये डायग्राम देख लीजिए नॉमेनक्लेचर से पहले कि यहाँ पर आपके साइक्लोन का जहाँ लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है दिस रीजन इज नोन एज आई, द सराउंडिंग रीजन इज नोन एज आई वॉल. अब ये आई रीजन में जो है ये टेम्परेचर जो है कंपेयर्ड टू आई वॉल रीजन 10 डिग्री सेल्सियस तक वार्मर हो जाता है, ये ज़्यादा वार्म रीजन होता है. दैट्स वाई देयर इज लो प्रेशर इन दिस रीजन एंड द सराउंडिंग रीजन इज आई वॉल रीजन. दिस आई रीजन इज कंपेरेटिवली कामर रीजन, दिस रीजन इज काम एज कम्पेयर टू द आई वॉल. इस आई वॉल रीजन में हैवी कन्वेक्शन होता है और इस कन्वेक्शन के चलते हैवी
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्रिएट होते हैं जब हम साइक्लोन्स की बात करते हैं, तो हैवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो ऑल दिस फिनोमिनन्स आर इंटरलिंक्ड, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन, द साइक्लोन आई वॉल इज रिवॉल्विंग अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब हम अगर देखते हैं नेमिंग ऑफ द साइक्लोन, तो नेमिंग ऑफ द साइक्लोन जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ओशन में अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न इंडियन ओशन की बात करें, तो वहाँ पर यूजुअली रोटेटिंग बेसिस पे मेल और फीमेल नामों को यूज़ किया जाता है. पर नॉर्दर्न इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जेंडर न्यूट्रल नाम होते हैं. इस जेंडर न्यूट्रल नाम के पीछे, नाम का बेसिकली नॉमेनक्लेचर के पीछे पर्पस ये है कि क्विक इन्फॉर्मेशन जो है वो डेसिमेट हो टुवर्ड्स द पीपल, उनको जल्दी से हम बता सके कि सपोज कोई एक साइक्लोन आने वाला है तो हम बोल सके कि असना का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यू बेटर गेट ऑफ टू अ बेटर लोकेशन. अगर हम बॉडी की बात करें कि कौन सी बॉडी जो है इसके बारे में नॉमेनक्लेचर करती है, तो IMD जो है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रीजनल स्पेसिफाइड मॉनिटरिंग सेंटर RSMC दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये दोनों साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में भी ओरिजिनेट होते हैं और अरेबियन सी में ओरिजिनेट होते हैं और सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज है उनके लिए नॉमेनक्लेचर जो प्रोवाइड करती है वो रीजनल स्पेसिफाइड मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो प्रोवाइड करता है. अब इसमें क्या होता है कि सारी कंट्रीज जो है अपने अपने नामों की लिस्ट भेजती है, उसके बेसिस पे फिर रोटेशनल बेसिस पे नामों को सेलेक्ट किया जाता है. जैसे इस साइक्लोन का जो नाम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेयर फिनोमिना है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसका नाम है साइक्लोन असना एंड दिस नेम वॉज गिवन बाई पाकिस्तान. फर्दर अगर हम साइक्लोन वार्निंग सिस्टम की बात करें, तो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है वो मेन्स एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्री के और मेन्स के, तब हम देखेंगे कि साइक्लोन वार्निंग सिस्टम का इफेक्ट क्या आता है. और प्री से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. उसके लिए आप जो लिंक्स दिए हुए हैं उस लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर क्वेश्चंस के लिए. लेकिन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस टू क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू MCQ एंड देन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंस इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो. तो स्टे अपडेटेड.